बच्चों, क्या हाल चाल है? आज हम लोग मिले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आज हम बात करें फिर से चैप्टर 1 के बारे में। हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में बात करी थी कि कैसे कॉलोनियल रूल मतलब गुलामी के पीरियड में अंग्रेजों ने हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा। अब आप ये तो समझ ही सकते हो, अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो कोई मौज मस्ती के लिए तो नहीं आए थे, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट ही तो करना था, तभी तो उन्होंने 200 साल के लिए हमें राज करा। हाँ कि ना, उन्होंने हमारे सारे सेक्टर्स जिसके अंदर हम लोग आगे थे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा फॉरेन ट्रेड, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसको बुरी तरीके से खराब करा था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा या क्या हालात थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। लेकिन आज हम लोग मिले एक नए टॉपिक के साथ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। खुद बताओ, एक तरफ उन्होंने कमर तोड़ी हमारे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करके, उसके बाद बारी आई हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने कैसे चोट पहुंचाई, कैसे नुकसान करा, अब मैं आपसे वो डिस्कस करने लगा। आओ जरा सामने मेरे साथ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सामने देखें तो बात आ रही है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया शुरू से ही खूब नाम कमा के बैठा था किस सेक्शन में, अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। हाँ कि ना, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री शुरू से ही बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन अंग्रेजों को यह बात तो बिल्कुल पसंद आनी रही थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उस पर ताले लगवा दिए और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को, किसी और तरीके की इंडस्ट्रीज को कभी इंडिया में सेटल होने ही नहीं दिया। इस चीज को कहा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उन्होंने ताले लगवा दिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उससे क्या हुआ होगा? अच्छा ये बताओ, उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे क्यों ताले लगवाए, अंग्रेजों ने ऐसा करा क्यों? इसलिए उन्होंने ऐसा करा क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अगर आप सामने देखो तो वो क्या चाहते थे कि देखो इंडिया हो चाहे दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो जो इंडिया के इनपुट्स थे उन्होंने क्या करा, इंडिया के इनपुट्स क्योंकि जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हुआ करते थे, अब तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे ताले लगे, तो अब क्या करा उन्होंने, इंडिया के जितने भी इनपुट्स रॉ मटेरियल्स जो भी था वो सारा सारा उठा के काम भेजना शुरू कर दिया ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सारा का सारा फायदा अपने देश के लिए हमारे इनपुट्स का इस्तेमाल करा, उन्होंने जहां से रॉ मटेरियल उठाया और कहां पर ब्रिटेन में भेज दिया और वहां की फैक्ट्रीज में वो इस्तेमाल होने लगा, और वहां पर उसका इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने नए नए फिनिश्ड गुड्स बनाए और इंडियन मार्केट्स में ही हायर प्राइसेस पे सेल करने शुरू कर दिए। बताओ कितना नुकसान हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे ताला लगा और वो ताला लगा दिया जिसकी वजह से तो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज थे, इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, वो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करा और वहां पर नए नए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाए और इंडिया के अंदर ही महंगे प्राइसेस पे बेचने स्टार्ट कर दिए। तो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? उसके बाद बारी आई कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। खुद बताओ, जब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही बंद करा दिया तो उससे इकोनॉमी में बुरी तरीके से हैसल आया होगा, दिक्कत आई होगी। तो क्या दिक्कत आई, सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से हमारा क्या था, प्राइमरी सेक्टर था, मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन 70-75% पॉपुलेशन उस समय हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थी और बाकी बची हुई कहां पर थी, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। खुद बताओ जब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ताले लगवा दिए बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई होगी, बिल्कुल सर, और हमारी इंडस्ट्रीज पे ताले लग गए जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ा बड़ा, और जब हमारे पास कोई इंडस्ट्री बची नहीं तो खुद बताओ क्या हुआ होगा, हमें कहीं ना कहीं फिर से डिपेंडेंट होना पड़ गया होगा किसी ऊपर भी, बाहर ब्रिटेन के ऊपर ही, और हम लोग फिनिश गुड्स के लिए वापस से किस पे डिपेंडेंट हो गए थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर। और इंडिया वाले अगर मान लो कुछ बनाते भी थे, एग्जांपल है कुछ बनाते भी थे, तो खुद बताओ जो बाहर की ब्रिटेन की जो मशीन मेड गुड्स थे उनकी क्वालिटी का इंडियन मार्केट्स कोई मुकाबला कर ही नहीं पा रही थी। तो खुद बताओ इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी छोटी मोटी जो थी, वो सर्वाइव कर ही नहीं पा रही थी किनके आगे, ब्रिटेन गवर्नमेंट के आगे। इसीलिए ये नुकसान यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, जैसे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बच्चों ताला लगाया, सबसे पहले छीनी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की और उसके बाद वापस से हम डिपेंडेंट हो गए किस पर, ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर। भाई इंडिया में तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन इकोनॉमी को तो कंज्यूमर को तो सामान चाहिए, और वो सामान इंडिया में अगर कोई बना भी रहा था तो वो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो मशीन मेड गुड्स बनाती थी उसका मुकाबला कभी भी इंडिया वाले कर ही नहीं पा रहे थे। तो क्या होता था, आज भी देखो इंडिया के अंदर किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वहीं पर चाइनीज इतना सस्ता हमें सामान दे देते हैं, तो खुद बताओ होता क्या, उसकी वजह से हम लोग भी आज भी क्या करा रहे हैं, इंपोर्ट ही तो करा रहे हैं फिनिश गुड्स का, बिल्कुल। हाँ कि ना, थर्ड बात, अब बात आती है एक और पॉइंट, अगर आप देखोगे तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। उस दौरान जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात हो रही थी तो हमारी जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उस पर भी ताले लगवा दिए गए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बच्चों कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, खुद बताओ, किसी भी चीज को प्रोडक्शन अगर करना है, बनाना है माल को, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो, मतलब लेबर्स के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू, या मशीन के थ्रू। अब भाई मशीन की क्वालिटी या मशीन का जो आउटपुट जनरेशन होता है वो कमाल का होता है, लेकिन खुद बताओ कोई सामान बनाने वाली इंडस्ट्री जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसी को हम लोग बच्चों कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती ही वो इंडस्ट्रीज है जिसकी मदद से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जब उन मशीनों को ही, उन मशीन बनाने वाली फैक्ट्रीज पर ही ताले लगवा दिए गए तो कोई मशीन इंडिया में बनी नहीं होगी, और जब इंडिया में कोई ऐसी मशीन बनी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगी सर। तो खुद देखो बुरी तरीके से उन्होंने हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को अफेक्ट करा, सबसे पहले देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे ताले लगवाए जिसकी वजह से हमारे रॉ मटेरियल्स वो भेज देते थे कहां पर,
ब्रिटेन में, और ब्रिटेन उसको एज इनपुट इस्तेमाल करके नए नए फाइनल कुछ बना के इंडियन मार्केट्स में ही है हायर प्राइसेस पे सेल करा करती थी। एलडी का प्रीमिसिस पे ताले लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिली सर, और हम वापस से डिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ कि ना, क्योंकि इकोनॉमी तो रन करनी थी, सामान की जरूरत तो पड़नी ही थी, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने कभी बढ़ने नहीं दिया और ताले लगवा दिए। भाई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो सर मशीनरीज आएगी कहाँ से, और मशीनरीज आएंगी नहीं तो प्रोडक्शन होगी कहाँ से। तो देख लो कितने सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट करा था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर और अब बात हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अगली बात देखो लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, अब जब प्रोडक्शन हो नहीं रही, गुड्स बन नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही, तो सर जीडीपी में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है? जीडीपी का तो मतलब ही होता है कि हमारी इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं, हमारा देश कितने वैल्यू कितने अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। जब सर इंडस्ट्रीज पर ताले ही लग गए तो सर प्रोडक्शन का कोई मतलब यहाँ पर वैसे भी बनता ही नहीं था। हाँ क्या, तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सीधा सीधा हमें देखने के लिए मिला ही नहीं। और अगर मैं अगली बात आपसे बात करूँ तो आखिरी बात रहती है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम बात तो गवर्नमेंट की कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब और कुछ नहीं गवर्नमेंट ही है। उस समय जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, हमारी सरकारें थी, वो ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, रेलवे, कुछ तीन चार चीजों के पीछे ही काम कर रही थी। उन्होंने कभी ऐसा समझा ही नहीं उस दौरान कि पब्लिक सेक्टर है हम लोग गवर्नमेंट है, हम लोग यहाँ पर पैसा लगा के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी खुद बताओ गुलामी कॉलोनियल रूल के दौरान पब्लिक सेक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी कोई इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिली, अगर मिली होती तो बात अलग होती, लेकिन हालात सर ऐसे थे कि पब्लिक सेक्टर भी उस समय कुछ खास नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ही खराब था, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन करा, जैसे कि आपने मेरे साथ यहाँ पर देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने बात करी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से उन्होंने खराब करा था, और आज हमने बात करी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से उन्होंने खराब करा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फटाफट से आपके सामने बोल देता हूं, दो मिनट मेरी बात सुनना। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, क्यों करा? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के पास इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, वो इंडिया में ना रहे बल्कि उसे काम भेज दिया जाता था ब्रिटेन गवर्नमेंट में, ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटेन के अंदर, ताकि वो उसको एज इनपुट इस्तेमाल करके अपने नए नए फाइनल गुड्स बनाए और इंडिया के मार्केट में ही सेल करें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर सब ताला लगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और हमारी डिपेंडेंस फिर से किस पर बढ़ गई, किसके बढ़ गई? ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ गई, और हम कहीं ना कहीं वापस से इम्पोर्ट कराने लगे उन्हीं से सारा सामान। हाँ कि ना, इंडिया में प्रोडक्शन होने नहीं थी, इंडिया में इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो हम डिपेंडेंट हो गए थे फिर से। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मतलब सर वो इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज में जहाँ मशीन बनती है, टूल्स बनते हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो सर प्रोडक्शन कैसे होगी, किसकी मदद से होगी, तो वहां पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब कुछ हो ही नहीं रहा तो सर प्रोडक्शन कैसे होगी, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कैसे होगा। और आखिरी बात हमने देखी कि पब्लिक सेक्टर ने भी कोई खास हमारी मदद नहीं करी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या, वो तो सिर्फ दो तीन चीजों, रेलवे, स्पोर्ट्स, इन चीजों के ऊपर ही काम सरकारें कर रही थी। पब्लिक सेक्टर ने उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कोई ध्यान दिया ही नहीं, हालात भी नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा हमें समस्या का सामना करना पड़ा। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस चेक करते रहा करो, सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप बड़े ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ही मेरे, मैंने हमेशा आपसे बोला कॉन्सेप्ट सीखते रहो, कॉन्सेप्ट आ गए तो देखो याद करने में कभी समस्या आनी नहीं है, लेकिन मैंने पता तो चले कि सर बात क्या हो रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ।